टैग न्यूज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अल्तमश शेख। जैसा कि कुछ ही हफ्तों पहले हमने एक न्यूज बनाया था, एक वीडियो डाला था कि हमारे साथ जो बैठे हैं इम्तियाज खान, जो कि बाइकल्ला सराफ अली बिल्डिंग के थे, ये इनका रीडेवलपमेंट और लैंड लॉट का इशू आ रहा था। तो उसके बाद हमने जो यहाँ की स्थानीय MLA है यामिनी यशवंत यादव के थ्रू हमने फॉलो अप करके इनकी मीटिंग करवाई। उसके बाद इम्तियाज भाई, क्या हुआ, आप क्या कहना चाहते, क्या फॉलो अप हुआ? पहली बात तो ये कि सराफ अली बिल्डिंग के हम लोग सत्य टैलेंट है, जब यामिनी मैडम का हम लोग बहुत उपकार मानते हैं, उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको सपोर्ट किए, हमको अपने ऑफिस में इज्जत दी है, हमको वहाँ पे बुलाया गया, बुलाने के बाद में हमको हमारी सराफ अली बिल्डिंग टैलेंट एसोसिएशन के लिए उन्होंने मदद की है। उन्होंने हमारे माहड़ा को एक लेटर लिख के दिए, जो कि लेटर मेरे पास में है कि आप लोग देख सकते हैं, जो कि एक रिक्वेस्ट लेटर हमारी, हमने जो वीडियो बनाए थे, ये वीडियो यामिनी यशवंत यादव तक पहुंची, उसके बाद उनके ऑफिस से इन्हें कॉल आया। फिर ये रिक्वेस्ट लेटर हमने यामिनी मैडम को दिए थे, और उसके बाद में अल्तमस की मेहनत और यामिनी मैडम के मतलब उनके उपकार की वजह से हमको ये लेटर दिया गया। माडा में लेटर डाले लैंडलॉट के रीडेवलपमेंट के लिए। हाँ, 14 तारीख आ रहा था। हाँ, 14 तारीख को हमने इसको सबमिट किए हैं इधर माहड़ा में, जो कि वहाँ पे हम लोग जाके 14 तारीख मतलब सबमिट करने के बाद में अभी हमारा यशवंत यादव साहब से और यामिनी मैडम से हमारी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि हमारी सराफ अली बिल्डिंग बहुत डिलाइटेड बिल्डिंग है, वो कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि बिल्डिंग को टोटल 115 साल पूरे हो चुके हैं और लैंडलॉर्ड बिल्डिंग से गायब है अभी तक। हाँ, इसके बाद हम आपको एक चीज और बता दे कि हमें कॉल भी आया था किसी का, किसी का कॉल आया था, इन्हें मिलने बुलाए थे कि आओ मिल के बात करते हैं क्या है, मगर इन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो काम होता है वो उन्होंने बोले हम कानून के दायरे में रहकर बात करेंगे। उसके बाद जो कि हम यामिनी यशवंत जो फोटो देख रहे हैं, हम यामिनी मैडम से मिले उनके घर पर और यशवंत यादव सर से भी मिले, उन्हें हमें आश्वासन दिया, इन्हें बिल्डिंग वालों को आश्वासन दिया कि आपका जो बिल्डिंग का इशू है, सराफ अली बिल्डिंग बाइकल्ला इलाके में जो मौजूद है साउथ मुंबई में जो इशू है, उसे जल्द से जल्द हल किया जाएगा। और फौरी तौर पर उसके दूसरे दिन यामिनी मैडम ने अपने PA को कहकर लेटर लिखा माडा को, और उसी दिन उसके दूसरे दिन हमने लेटर डिस्पैच किया। तो अभी आगे का क्या प्रोसेस है इम्तियाज भाई? आगे का प्रोसेस मेरा मैडम से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग टोटल 106 टैलेंट है और आपके उसमें रहते हैं मैम, हमारी पर्सनली रिक्वेस्ट ये है कि आप खुद आइए, खुद आप हमारी बिल्डिंग को देखिए कि हमारी बिल्डिंग को 115 साल पूरे हो चुके हैं, जो कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। जैसे आप देखे होंगे मैडम कि बिस्मिल्ला टावर, बिस्मिल्ला होटल के सामने जो बिल्डिंग है वो अचानक बहनक गिर गई, जिसमें बहुत से लोग का हादसा हुआ, बहुत से लोग का सामान चला गया, वैसे हमारी बिल्डिंग भी 115 साल पुरानी है मैम, और कभी भी कोई भी हादसा हो जाएगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होएगा मैम? क्योंकि अभी सबसे बड़ा इश्यू यही रहता है, फिर मैं वही क्वेश्चन रिपीट करूंगा मैम आपसे, यामिनी मैडम से, कि भाई सबसे बड़ा इश्यू होता है कि आचार संहिता लगी हुई है इम्तियाज भाई, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। जब कोड ऑफ कंडक्ट 15 या 16 तारीख को मेरे ख्याल से लगा और लेटर भी जो उससे पहले ही डिस्पैच हो चुका था, तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि हमारी भी उनसे बात हुई थी इस ताल्लुक से लेके कि आपका जो इशू है, इंशाल्लाह लेटर माहड़ा में डाले हैं, आगे का प्रोसीजर माहड़ा और गवर्नमेंट और यामिनी मैडम इन्वॉल्व होकर खुद करेंगे इसके ऊपर, और जो रीडेवलपमेंट का जो इशू आ रहा है उसे जल्द से जल्द, जो कि अभी अब बीच में मैडम ने माहड़ा के चेयरमैन से और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो खासदार है, महाराष्ट्र के CM श्री एकनाथ शिंदे साहब के जो बेटे खासदार, उन्होंने मीटिंग ली और जो कि क्लस्टर डेवलपमेंट ऑफ PMGP बिल्डिंग को फंड भी दिया है और रीडेवलपमेंट के मुद्दे पर भी बात की है उन्होंने, तो उसके ऊपर भी जल्द से जल्द एक एक्शन लिया जाएगा, जो कि जितने भी लैंडलॉर्ड है उनके खिलाफ भी एक एक्शन लेना चाहिए। हमारी भी सरकार से मांग है, जो कि 115 साल बिल्डिंग के पूरे हो चुके हैं मगर बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड नहीं है, जो कि बिल्डिंग की हालत बहुत ही खराब है, हम लास्ट टाइम आपको फोटोज में बताए थे। तो हम ऐसे ही हम फॉलो अप पे तो लगे हुए इम्तियाज भाई, आपके साथ में भी, बिल्डिंग वालों के साथ में भी फॉलो अप पे है, इंशाल्लाह जो भी है हम यामिनी यशवंत यादव के साथ में मिलके और यशवंत यादव साहब के साथ में मिलके फॉलो अप करके इंशाल्लाह उसे जल्द से जल्द दूर करेंगे। नहीं, मेरा भाई हम हमारे जितने टैलेंट 106 टैलेंट है, यामिनी मैडम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं,
अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैडम मेरा अभी काम करे, हम लोग 106 टैलेंट पूरे के पूरे मिलके हम इस टाइम पे जो मैडम आमदार का इलेक्शन लड़ रही है, हम लोग पूरी तरह सहयोग करेंगे, पूरी तरह सहयोग करेंगे अल्टमस के अंडर में गाजस में रह के पूरी तरह सहयोग करके मैडम को हम लोग चाहेंगे भी कि मैडम जीत के आए। मैडम 100% जीत के भी आएंगी, उसमें नो डाउट है, 100% मैडम जीत के भी आएंगी। मैडम जीतने के बाद हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मैडम हमारे को कोई रिडेवलपमेंट दो, हमारे को लैंडलॉर्ड का कोई इशू नहीं है, हमारा लैंडलॉर्ड कौन है कौन नहीं हमारा कोई इशू नहीं है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि भाई हमारी लैंडलॉर्ड बिल्डिंग जो है उसका कोई ऐसा पास हो भाई कि भाई वो जो गिरने से पहले उसका रिडेवलपमेंट हो जाए, रिडेवलपमेंट हो जाए, चाहे महाड़ा करके दे, चाहे जो जो भी आपको सही लगे, जो भी आपका लॉ में बैठता है वो करके दे। हमको सिर्फ रिडेवलपमेंट से चाहिए कि कोई हादसा होने से पहले हमारी बिल्डिंग रिडेवलपमेंट में चली जाए, बस हमारे को और कोई इशू नहीं है। मैडम हमारे तहे दिल से आपकी शुक्रिया अदा करते हैं और ये इलेक्शन में आप इंशाल्लाह आप जीत के आएंगी, ये हमारे 106 टैलेंट लोग की दुआ भी है और हम लोग चाहते भी है कि आप हमारे पास में आओ, हम लोग आपको थोड़ा स्वागत करना चाहते हैं, अगर आपका टाइम है तो आप आइए हमारे हमारे बिल्डिंग वाले को मिलिए, हमारी वीडियो जरूर पहुंचेगी उन तक और आपसे वापस से एक मीटिंग ली जाएगी, तो हम फॉलो अप पे तो है इंशाल्लाह। हम यामिनी मैडम के साथ में भी बिल्डिंग वालों के लिए हमेशा खड़े, तो हमारा चैनल ऐसी लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैग न्यूज ऑफिशियल।